व्हाट इज़ अप एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप्स की और ब्रेक डाउन करूंगा मैं आप लोगों के लिए व्हाइल लूप्स को कि व्हाइल लूप्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं जहां बात आती है सी प्रोग्रामिंग की। तो व्हाइल लूप्स की अगर मैं बात करूं तो ये एकदम डू व्हाइल लूप्स की तरह है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। डू व्हाइल लूप्स में क्या होता था, डू व्हाइल लूप्स में हमारे पास एक बार लूप एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो होता क्या था कि हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से डू लिखते थे और डू लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, मैं अगर लिखूँ यहाँ पर तो हम डू लिखते थे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, व्हाइल लिख के कंडीशन लिख देते थे, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन लगा देते, एक बार ज़रूर से एग्जीक्यूट होता था लूप हमारा बिना कंडीशन को चेक किए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, मैं इसको क्लीन करना चाहूँगा यहाँ पर, और इसको क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर आप लोग को अब बताऊँगा व्हाइल लूप का सिंटेक्स किस तरह से हमारे पास होता है। तो चलो हम लोग लिखते हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स, एकदम बिल्कुल सिंपल है व्हाइल लूप का सिंटेक्स, बिल्कुल डू व्हाइल लूप की तरह है। आप लोग को यहाँ पर लिखना है व्हाइल और उसके बाद आप लोग को लिखना है कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंडीशन तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, तो मैं अगर लिखूं कंडीशन और यहाँ पर वाइल कंडीशन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा और नीचे आकर मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एग्जीक्यूटेड। और उसी के साथ साथ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड लिखने के बाद मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा अपने व्हाइल लूप को। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स व्हाइल लूप का। एक चीज़ आप लोग नोट करना है, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं होता है यहाँ पर व्हाइल लूप में। तो ये हमारे सिंटेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग को, एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को और आप लोग उससे समझना कि डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप किस तरह डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट आई इज इक्वल टू जीरो और मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाइल आई इज लेस देन 30, ठीक है। और मैं इसके बाद क्या करूँगा, अपने व्हाइल लूप को स्टार्ट कर दूंगा। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है आप यहाँ लगाएं या फिर आप कहीं यहाँ पर लगाएं, नीचे एंटर एंटर मार के लगाएं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा प्रिंट एफ, तो मैं प्रिंट एफ लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉमा लगा के लिख दूंगा आई, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दूंगा। और इसके बाद मैं करूँगा आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट भी करना है यार, वरना मेरा जो है लूप वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता, और मेरा प्रोग्राम कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि प्रिंट होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए कुछ ना कुछ, और तब तक प्रिंट होता जाए जब तक कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम अपना काम करके चुपचाप टर्मिनेट हो जाए। तो प्रोग्राम का टर्मिनेशन भी प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब टर्मिनेट करना है किस तरह ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो है तो सबसे पहले जीरो प्रिंट हो जाएगा, फिर वन प्रिंट हो जाएगा, फिर टू, एक टाइम होगा आई की वैल्यू कहाँ तक आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी कुछ 29 के अराउंड, और जैसे ही 29 आएगी तो 29 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 29 होगी और ये अंदर घुसेगा तो ये जो दूसरी वाली लाइन है ये इसको क्या करेगी, 30 बना देगी, और 30 लेस देन 30 फॉल्स हो जाएगी और सिर्फ इतना ही हमारा प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया, तो मुझे बैकस्लैश एन लगाना पड़ेगा ये आउटपुट देखने के लिए, वरना क्या होगा सीधा एक लाइन में प्रिंट होगा। सिमिलरली फॉर डू वाइल लूप भी, अगर मैं आप लोगों को इस तरह दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि एक सिंगल लाइन में आएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना प्रिंट एफ में अगर बैकस्लैश एन नहीं लगाए तो आउटपुट कुछ ऐसे आएगा 0 1 2 3 4 ऐसे करके एक लाइन में आएगा। तो ये चीज़ आप लोग को जो है थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्या, चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहाँ पर कोड लिखेंगे, किस चीज़ का, व्हाइल लूप का। तो चलो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहाँ पर लिखते हैं व्हाइल लूप का कोड। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपने डू व्हाइल लूप का कोड लिखा था, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहीं पर एक फाइल बना लूँगा, उसका नाम मैं रखूँगा tutorial14.c, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली मेन लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा int i इज इक्वल टू ज़ीरो, और i को मैंने ज़ीरो कर दिया है यहाँ पर। और i को ज़ीरो करने के बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो मैं जैसे ही std लिखूँगा और io.h, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये हटा देता हूँ argv, इनके बारे में मैं बताऊँगा आप लोग को आगे क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए हटा देता हूँ। आई को मैंने ज़ीरो किया, मैं लिखूँगा वाइल और मैं लिखूँगा आई इज़ लेस देन 54 थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एफ कि भाई प्रिंट कर दो मेरे आई को, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई को प्रिंट करने के बाद मैं कहूँगा, और एक बैक स्लैश एन भी प्रिंट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नई लाइन में आए, तो मैं एक बैक स्लैश एन भी प्रिंट करूँगा
और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि इंक्रीमेंट कर दूंगा अपने आई को, तो क्या होगा कि एक टाइम पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वो टाइम क्या होगा, वो टाइम आई इज इक्वल टू 53 होगा। जब 53 होगी हमारी आई की वैल्यू, तब यहाँ पर आई की वैल्यू 54 हो जाएगी, और जैसे आई की वैल्यू 54 होगी तब यहाँ पर क्या होगा, ये लूप मेरा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट ये देता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जीरो से लेके इसने पूरा मुझे 53 तक आउटपुट दिया, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया था, और ये बिल्कुल इसने एग्जैक्टली वही आउटपुट दिया जो कि हम लोगों ने इससे एक्सपेक्ट किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये व्हाइल लूप किस तरह काम करता है, और आपको ये भी समझ में आएगा यहाँ पर कि व्हाइल और डू लाइफ, डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, और आप लोग खुद ही ये अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कब आप लोग को व्हाइल यूज़ करना है और कब आप लोग को डू व्हाइल यूज़ करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, और उसी के साथ साथ इस कोर्स की प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कोर्स पहुँचे। अभी के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।